हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर। तो गाइस, के आपके साथ भी फ्री फायर का पिंग प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर के पिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, एंड आपको ये भी बताऊंगा कि फ्री फायर के पिंग प्रॉब्लम कितने प्रकार के होते हैं और ये क्यों होता है, किन किन डिवाइसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। हर कंडीशन का आपको पूरा सॉल्यूशन ए टू जेड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आपका 100% पिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो अगर गाइस आपके साथ भी हो रहा है फ्री फायर का पिंग प्रॉब्लम, तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर नहीं भी हो रहा है तब भी देख लो, क्योंकि पिंग प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम बन चुका है जो हमेशा आपके साथ बना रहता है। तो अभी गाइस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नया रहो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। सो लेट्स सी गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस वीडियो में मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधा बात करेंगे कि फ्री फायर का पिंग प्रॉब्लम क्यों होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप से पिंग प्रॉब्लम होता है, हर एक का सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री फायर के पिंग प्रॉब्लम क्यों होता है। तो देखिए, पिंग प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि फ्री फायर के प्लेयर इतने ज़्यादा है कि मतलब कोई भी गेम का ना डबल ट्रिपल प्लेयर भी जोड़ लो ना, तब भी फ्री फायर के प्लेयर इतने नहीं होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके प्लेयर हैं जितना कि गाइस आप सोच भी नहीं सकते, और एनी टाइम बंदे इसको खेलते रहते हैं, और जिसके वजह से आपको फ्री फायर में ज़्यादातर बड़े से बड़े डिवाइस पर लैग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, प्लस यहां पर हमको पिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। लेकिन गाइस यहां पर फ्री फायर में एक बात और है कि फ्री फायर को बाकी जो नॉर्मल गेम है उससे पिंग थोड़ा हाई चाहिए रहता है, मतलब कि बाकी जैसे कोई गेम खेलोगे उसमें पिंग प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि फ्री फायर में होता है, और ये तभी होता है फ्री फायर के प्लेयर ज्यादा बढ़ते जाते हैं। उस टाइम अभी कम था, लेकिन अभी मतलब जैसे जैसे नए नए साल आते जाते हैं, फ्री फायर अपडेट होता जाता है इतना ज्यादा, मतलब आप प्ले स्टोर पर जाके देख सकते हो फ्री फायर के कितने डाउनलोडर है, अभी तो 1 बिलियन डाउनलोडर होने वाला है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि फ्री फायर के प्लेयर ज्यादा होने की वजह से ही पिंग प्रॉब्लम होता है। तो अब गाइस हम बात कर लेते हैं फ्री फायर के पिंग प्रॉब्लम कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक एक टाइप को फ्री फायर का जितने भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कंडीशन आता है कि फ्री फायर जैसे आप खेल रहे होगे तो अचानक से गाइस आपका पिंग हाई होता है, उसके बाद फिर से डाउन हो जाता है, मतलब कि आपका पिंग अचानक से बढ़ता है उसके बाद फिर से कम हो जाता है। और दूसरा कंडीशन कभी कभी ये होता है कि फ्री फायर को जैसे आप ओपन करोगे उसके बाद आपका नेट जो है पूरा स्लो होने लगता है, फिर आपका जो पिंग है ना वो 200, 300, 400, 500, मतलब कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपका पिंग हमेशा हाई ही रहता है, 200 से 300 चला जाता है, मतलब कि गाइस पूरे गेम में आपका पिंग जो है वो हाई रहता है, 200-300 ले लीजिए या फिर 400 भी ले लीजिए। तो तीसरा कंडीशन ये है कि फ्री फायर में आपका पूरा गेम में ना पूरा पिंग हाई रहता है, लेकिन दूसरा कंडीशन बताएं उससे काफी अलग है ये प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि फ्री फायर में आप शुरू से लेकर आखिरी तक 700-800 ऐसे मतलब पूरा हाई पिंग जाता है, जैसे कि 999 बोल दीजिए, पूरा मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक यही रहता है। दूसरा कंडीशन बताएं उसमें कम से कम 200-150-300 ऐसा चलता है, लेकिन आपको ये वाला कंडीशन में ना पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक आपका जो गेम है पूरा आपका पिंग हाई रहेगा। और हमारा चौथा नंबर का लास्ट कंडीशन ये निकल के आता है जो ज्यादातर बंदों के साथ होता है, जैसे आप किसी गेम को खेलोगे मतलब कि फ्री फायर में पिंग सही चल रहा है, लेकिन अगर आप जैसे ही कोई गेम स्टार्ट करोगे, मैच स्टार्ट करोगे, वहां पर किसी गेम में पिंग ज्यादा रहता है तो किसी गेम में कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्री फायर में मतलब कोई भी गेम स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में आपका जो मतलब पूरा गेम का पिंग रहता है ना वो पूरा हाई रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया किसी किसी गेम में, जैसे आप क्लैश स्क्वाड खेल रहे हो तो क्लैश स्क्वाड में आपका पूरा पिंग हाई रहेगा, लेकिन जैसे ही आप रैंक गेम खेलोगे, कोई दूसरा गेम स्टार्ट करोगे, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, मतलब कि किसी किसी गेम में ग्लिचेस की वजह से पिंग हाई होता है तो किसी किसी गेम में आपका नॉर्मली अच्छे से चल जाता है। और इसका एक और कंडीशन है, जब फ्री फायर आप खेलोगे तो कभी कभी शाम के टाइम पिंग सही चलता है तो रात को हाई हो जाता है, ऐसा भी कंडीशन रहता है। ये कंडीशन सबसे ज्यादा होता है कि आपका पिंग अगर सुबह सही है तो दोपहर को खराब रहेगा, अगर किसी किसी का दोपहर चल रहा है तो रात को नहीं चलता, या फिर कईयों का रात को बहुत अच्छे से चलता है 12 बजे के बाद, और कईयों का सुबह से फिर शाम तक पूरा हाई ही रहता है। तो ये एक कंडीशन ऐसा भी है। तो ये सभी कंडीशंस थे, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आप सब कंडीशन को जान चुके हो। तो अभी मैं एक एक करके आपका सभी सॉल्यूशन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद जितने भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आप जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर सकते हो। तो अभी गाइस देखिए, अभी इसका मैं सॉल्यूशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप जो है जितने भी प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। तो यहां पर हमारा पहला नंबर का कंडीशन हम ले लेते हैं, अगर आपका पिंग यहां पर हाई हो रहा है, मतलब अचानक से हाई हो रहा है, जैसे कि कईयों का होता है आपको पता होगा, मतलब अचानक से हाई होता है गेम के बीच में, फिर आपका लो हो जाता है, मतलब पिंग वापस कम हो जाता है, जिससे गाइस आप खेलते रहोगे अचानक से आपको कोई मार देगा उसके बाद आप खत्म हो जाओगे, मतलब पिंग हाई होता है आपको 2-4 लोग मतलब मार के चले जाते हैं, फिर आपका गेम खत्म, वापस से बैक करना पड़ जाता है। तो ये दिक्कत होता है पिंग अचानक से हाई होता है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपके फोन में अगर कोई मैसेज आ रहा है तो मैसेज की वजह से आपका पिंग हाई होता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है तो मैसेज जो है वो नेट को ज्यादा ले लेता है, जिसकी वजह से पिंग हाई होता है। देखिए आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि आपका फोन है ना तो वहां पर आपका फोन एंड्रॉइड होता है, तो एंड्रॉइड में कुछ ऐसा सिस्टम मैनेजमेंट बनाकर रखा
देखा जाता है कि कोई भी अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, जैसे यूट्यूब देख रहे हो या फिर कोई वेबसाइट वगैरह कुछ भी चला रहे हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैसेज होता है। आपको पता होगा मैसेज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मैसेज नोटिफिकेशन जिस भी एप्लीकेशन का है। तो आपका फ़ोन का कुछ ऑप्टिमाइजेशन एंड्रॉइड सिस्टम ऐसा रहता, मतलब कि कुछ ऐसा रहता है कि आपके फ़ोन में अगर कोई नोटिफिकेशन या मैसेज आ रहा है तो मैसेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देकर उसको पहले इंटरनेट देता है, उसके बाद आपको कुछ यूज़ कर रहे हो वो देते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैसेज। तो इसीलिए आपका जो एंड्रॉइड सिस्टम रहता है वो मैसेज को पहले नेट दे देगा, अचानक से आएगा तो फिर आपका गाइस जो मतलब जो चला रहे हो उसको देगा। तो फ्री फायर में आपको पता होगा फ्री फायर में लगातार नेट की जरूरत होती है, जिसके कारण आप कुछ भी मैसेज वैसेज या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ यूज़ कर लिए बीच में तो नेट जो है वो मतलब पूरा ख़त्म ही हो जाता है। तो इसके वजह से होता है, अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका सोल्यूशन यही है इसके, आपको जितने भी एप्लीकेशन है जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह जो भी यूज़ करते हो, जहाँ से मैसेज वैसेज आता है, तो उन सभी का आपको ऑफ करना होगा, बैकग्राउंड में कुछ भी इंटरनेट ना ले। इसके लिए आपको एक ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो बाकी एप्लीकेशन की इंटरनेट है उसको ऑफ कर दे। अगर आपका फोन नया है, मतलब कि अभी के टाइम का फोन है, तो वहां पर इंटरनेट होता है उसको ऑफ करने का दिया रहता है, लेकिन बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बाकी एक वीडियो में बता चुका हूं कि पिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिससे बाकी इंटरनेट है उसको ऑफ कर सकते हो, तो चाहो तो चैनल में जाकर देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कंडीशन के बारे में। तो दूसरा कंडीशन कुछ ऐसा है कि आपका पिंग 200-300 लगातार चलता ही रहता है, मतलब जब भी खेलो, मैं यहाँ पर टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम वाला दूसरा कंडीशन है, जब भी खेलो आपका पिंग जो है वो 200-300-400 इतना तक जाता है, 400 तक का उससे ज़्यादा नहीं जाता, मतलब कि 150-200 वैसे नॉर्मली पिंग जो रहता है वो कम से कम 100 से नीचे होना चाहिए, जिसमें फ्री फायर अच्छा चलता है, तो उससे ज़्यादा आपका हाई रहता है। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपना इंटरनेट या फिर कोई ऐसा लोकेशन, मतलब कि जहाँ पर आप घर वर में खेल रहे हो, तो किसी ऐसे लोकेशन में जाकर खेलना होगा जहाँ नेटवर्क बिल्कुल अच्छा आता है। जैसे कि किसी किसी घर में नहीं आता, तो घर से बाहर निकलोगे तो बहुत अच्छा मतलब नेटवर्क रहता है, क्योंकि आपको पता होगा खुला वातावरण में ज़्यादा अच्छा नेटवर्क रहता है। तो या तो आपको अपने सिम को चेंज करना है या फिर अपना लोकेशन चेंज करना है। आप अपने दोस्त से पूछ कर देखो, किसी दूसरे सिम में अच्छा चल रहा है तो उसमें जाकर खेलो, तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कंडीशन के बारे में। तो तीसरा कंडीशन कुछ ऐसा है कि आपका शुरू से लेकर पूरा आखिरी तक पूरा 999 999 999 मतलब चलता ही नहीं है, किसी भी टाइम ले लो चलता ही नहीं है गेम पूरा, मतलब एक तरीके से 999 999 पूरा हाई ही रहता है शुरू से आखिरी तक। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपके एरिया में कुछ भी इंटरनेट नहीं चल रहा, मतलब कि इंटरनेट पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन गाइस आप YouTube वगैरह क्रोम वगैरह यूज़ करो तो वहाँ पर चल जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्री फायर में नहीं चलता। तो इसका एक ही रीज़न है कि आपके एरिया में जो नेट है गाइस वो फ्री फायर के लायक नहीं है, मतलब कि फ्री फायर को बहुत ही अच्छा हाई स्पीड वाला नेटवर्क चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसा भी नेटवर्क ये जैसे सिम का रहता है यार, जैसे सिम में कभी कभी क्या होता है कि जियो का सिम यूज़ करोगे तो उसमें 50 का पिंग चलता है, वहीं आइडिया में ले लो तो आइडिया में भी बहुत अच्छा नेट चलता है, लेकिन आइडिया में गाइस इतना मतलब हाई स्पीड नहीं चलता, जैसे किसी किसी टाइम चल जाता है लेकिन आइडिया में कम पिंग नहीं चलता, हाई पिंग ही रहता है 100 के आसपास, लेकिन जियो में बहुत अच्छा चल जाता है, क्योंकि उसका जो जियो का कनेक्शन रहता है ना वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत दूर तक वो कैच करता है, इसीलिए हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सिम चेंज करो या फिर किसी ऐसे लोकेशन पर खेलो जिससे आपका जो नेट है वो अच्छा चले, इसका यही सॉल्यूशन है, या फिर वाईफाई लगवा लो, मतलब कि एक बहुत ही बड़ी दुखद कंडीशन है, आप थोड़ा भी नहीं खेल पाओगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले कंडीशन के बारे में। तो हमारा अगला कंडीशन कुछ ऐसा है कि पिंग जो है वो किसी किसी टाइम अच्छा चलता है तो किसी किसी टाइम खराब चलता है। जैसे कई बंदों का क्या होता है कि सुबह टाइम अच्छा चलता है, क्योंकि सुबह टाइम इंटरनेट यूज़र बहुत कम होते हैं, सभी सो जा रहते हैं, तो इसीलिए गाइस कई बंदों का सुबह अच्छा चलता है, तो कईयों का रात को तो मतलब पूरा बेकार ही रहता है। अक्सर रात को कई बंदे का पिंग बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि रात को इंटरनेट यूज़र बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कईयों का रात को भी अच्छा चलता है, बाकी टाइम खराब चलता है। तो इसका गाइस मैं कोई खास सोल्यूशन नहीं बता सकता, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ एक सोल्यूशन बता सकता हूँ। देखिए, ये प्रॉब्लम को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है, क्योंकि नेटवर्क एनी टाइम रहता है। जैसे कि आप ले लो कि अगर उतना देर यूट्यूब यूज़ करोगे तो उतना देर जो देर जितना टाइम पिंग हाई रहता है वहाँ पर भी आपका जो नेट है वो भी अच्छा चलेगा, मतलब एक तरीके से ये फ्री फायर में ही होता है। तो मेरे ख्याल से गाइस आपको इसके लिए सिम को चेंज करना होगा, क्योंकि भाई फ्री फायर के लिए इतना तो कर ही सकते हो, तो सिम को चेंज करो, एक सिम में फ्री फायर खेलो, एक अपने यूज़ करने के लिए रखो, तो ऐसा करने से गाइस आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगा, तो दोनों सिम में ऐसा करके खेल सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप पहले सिम में फ्री फायर खेल रहे हो तो वहाँ पर सुबह टाइम पिंग अच्छा चल रहा है, दोपहर को खराब चल रहा है, तो एक और सिम यूज़ करना जिसमें सुबह खराब चलेगा तो आपका दोपहर का वो निकाल देगा। तो ऐसे ऐसे करके आप फ्री फायर को खेल सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप अपने फ्री फायर के पिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से गाइस कोई ऐसा जानकारी आपको बताने के लिए नहीं बचा है जिसको आपको जानना चाहिए। गाइस पूरा आपको जानकारी दे दिया हूँ फ्री फायर के पिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, हर सोल्यूशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फ्री फायर के ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।